ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की हिस्ट्री क्या रही? जैसे इमेज प्रोसेसिंग पे काम, लेट से मैं कहता हूँ जी 1920s में शुरू हुआ, जब आपने इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना था, ट्रांसमिट करना था, इमेज रिकग्निशन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें बेसिक जो काम है वो 1945 वाली साइड पे या 45 के टाइम में स्टार्ट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी या नेक्स्ट मॉड्यूल्स काफ़ी सारे होंगे, उनमें हम ये देखेंगे कि ये हिस्ट्री कैसे चली। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये स्लाइड जो हैं ये टोलार्बा के नाम से हैं, रिसर्चर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने एक उनके समर कोर्स से ली हैं। उन्होंने इसको 7 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफाइन किया है, और जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री हैं। हिस्ट्री से मुराद क्या है कि उन्होंने कहा कि यार 1960s से लेकर 80s में क्या काम हुआ इन ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, 80s से 90s में क्या हुआ, 90s से 95 में क्या हुआ, उसके बाद 2000 में क्या काम हुआ, करंट ट्रेंड्स क्या हैं। तो इस जो नेक्स्ट अब हमारे पास सारा कोर्स चलेगा या ये सिलेबस चलेगा या ये मॉड्यूल्स चलेंगे, उसमें हम सिंपल सी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की हिस्ट्री बताएंगे कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन शुरू में कैसे करते थे, फिर बाद में हमने क्या चेंज की, एल्गोरिथम शुरू में क्या थे, बाद में क्या हुआ, एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक या फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, जिसके लिए जो वर्ड किया गया है वो है 1965 से 1980s तक। अब हुआ ये था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करनी है तो आप क्या करते हो, मॉडलिंग वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी को मॉडल करते हो। उसके लिए क्या करते हो, सेट ऑफ इमेजेस के ऊपर परफॉर्म करते हो, सेट ऑफ इमेजेस के ऊपर काम करते हो। अब जो 65 से लेकर 80s तक का जो काम है उसमें जो फोकस था वो था अलाइनमेंट पे और ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स पे। अब अलाइनमेंट क्या है और ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये पुरानी, मैंने अगेन पिक्चर दी जिसमें हमारे पास लेट्स से ये ह्यूमन है या जो इमेज एक्वायर करने वाली चीज़ है, और वो इमेज एक्वायर करके हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट किस्म के इमेजेस को एक्वायर करता है वेरिएबिलिटी के लिहाज से, जिसमें तीन चीज़ें हैं, कैमरा पोजीशन, एनिमेशन एंड इंटरनल पैरामीटर, और ये हमारे पास सेट ऑफ इमेजेस चलते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अलाइनमेंट को करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो अलाइनमेंट थी इसमें हमें शेप जो है वो एज्यूम्ड अननोन है, कि शेप क्या पता होना ज़रूरी नहीं है कि ये गोल है, चकोर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कुलर है, वट एवर। अब करते कैसे, ये अलाइनमेंट होती क्या, आप में से किसी को याद है अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट होता है बेसिकली किसी चीज़ को उसके एक्चुअल एंगल पे ले आना। उस एंगल के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है थीटा। करते कैसे हैं, आइए देख लेते हैं। अलाइनमेंट करते कैसे हैं, ये है हमारे पास एक एक्चुअल इमेज, और ये हमारे पास है जो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है, जो रोटेटेड है, जिसके अंदर चेंज आई हुई है। अलाइनमेंट का मतलब होगा कि इस इमेज को हम उठाएं, इस वाले इमेज को जो इस तरह है, और इसको कन्वर्ट कर दें इस तरह के इमेज में जिसमें वो सीधा हो गया, सीधा इमेज हो, यानी कि यूँ। ये है अलाइनमेंट। आसान सा फार्मूला है, फार्मूला इसका आसान सा कैसे है कि आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, दो चार पाँच ये पॉइंट्स हैं। आपने करना क्या है, आपने इसको इस वाले को रोटेट करते जाना है लेफ्ट साइड पे मेरे लेफ्ट साइड पे। अब जब लेफ्ट साइड पे आप रोटेट करते जाएंगे और आपने डिस्टेंस मेजर करना है इस पॉइंट का इससे, इस पॉइंट का इससे, इस पॉइंट का इससे, इस पॉइंट का इससे, और इस पॉइंट का इससे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, वो ऐसे कि मैंने वर्ड यूज़ किया रेजिड्यूअल। रेजिड्यूअल का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस मेजर किया और उसमें जो वैल्यू बची वो है रेजिड्यूअल। तो मैं क्या करूँगा कि एक्स आई, लेट से ये वन पॉइंट है, ये वन है, ये टू है, ये टू है, ये थ्री है, यहाँ का थ्री है, एंड सो ऑन। मैं क्या करूँगा, पहले वन को वन से माइनस करूँगा, यानी कि इस वाले वन को इस वाले वन से, इस वाले टू को इस वाले टू से, इस वाले थ्री को इस वाले थ्री से, एंड सो ऑन। अब क्या होगा कि इन सब का जो रेजिडुअल आएगा उस सबका मैं सम ले लूँगा, जिस जगह पे, जिस एंगल पे, जिस लोकेशन पे सबसे मिनिमम रेजिडुअल होगा वो मैं कहूँगा कि अलाइंड इमेज है, कि जहां पे जाके इमेज जो है एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए। मेक सेंस? तो ये है बेसिकली अलाइनमेंट, के आपने क्या करना है, इमेज को उठा के उसकी एक्चुअल पोजीशन में रोटेट करना। एक और वर्ड ये था जो 65 से 80s में आया, वो था ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स। ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स, इनसे मुराद क्या था? ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स बेसिकली तीन किस्म के हैं। नंबर वन है ट्रांसलेशन, नंबर टू है रोटेशन, नंबर तीन है स्केलिंग।
ट्रांसलेशन से मुराद क्या होता है? ट्रांसलेशन से मतलब मुराद होता है कि एक ऑब्जेक्ट की जगह जो है दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में जब टेम्पलेट का बताया था, तो लेट्स से जो चेयर है वो दरमियान में पड़ी है, अगर उसे आप ट्रांसलेट करके आगे की तरफ कर दें तो शायद उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। ट्रांसलेट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो लोकेशन है उसको चेंज कर देना विद इन इमेज, ये है मूव कर देना एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। रोटेशन का भी आपको समझ आ गया। तीसरा हमारे पास बच जाता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है उसका साइज बड़ा कर देना। तो ये तीन ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं जिनमें 1980s तक काम काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब काम काफ़ी ज़्यादा होने से मुराद क्या है? हमने दोबारा बताते हैं कि हमने कहा था कि इसको ऑब्जेक्टिनेशन को करने का एक ही तरीका है कि आपने डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस लेने हैं, उनके ऊपर से फीचर्स निकालने हैं और उनको यूज़ करते हुए आपने बताना है कि कैसे हमारे रिजल्ट जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स हैं, ये अलाइनमेंट है, इसकी मदद से हमें ये फ़र्क पड़ेगा कि हम मल्टीपल इमेजेस लेंगे, सो मैनी इमेजेस लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अलाइनमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रिमिटिव्स, और इनकी मदद से अपना मॉडल ट्रेन करेंगे जो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा।